नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये है हम लोग का वीडियो नंबर 2 जो क्लास 11th का है और पहला चैप्टर है जीव विज्ञान एक परिचय। आज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान की शाखाएँ यानी ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वनस्पति विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, यानी इसमें जो है दोस्तों 2 ब्रांच है, इसकी 2 शाखाएं हैं। और इसमें जो है दोस्तों सबसे पहला है सामान्य वनस्पति की शाखाएं। पहला जो है वो है सामान्य वनस्पति की शाखाएं यानी सम कॉमन ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, और दूसरा है व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान यानी अप्लाइड बॉटनी। तो हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये सामान्य वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, इसमें कितने शाखाएं हैं, कितने ब्रांचेज को इसमें शामिल किया गया है। और दूसरे हमें जो है दोस्तों यहाँ पर व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान अप्लाइड बॉटनी, इसमें किसको किसको शामिल किया गया है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग, तो इसमें पहला है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। इसमें पौधों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर किस तरह से उसको नामांकित किया जाए, और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ये वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी में। दूसरा नंबर है यहाँ पर आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। तो इसमें कहता है कि इसमें पौधों की आंतरिक संरचना, सॉरी दोस्तों, इसमें पौधों की अंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कौन कौन सा पौधा का अंग है, कौन कौन सा पार्ट्स है, उसमें जो है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। अगला है यहाँ पर दोस्तों शारीरिकी यानी एनाटॉमी। इस एनाटॉमी में चूँकि दोस्तों ये जो है ना, ये सामान्य वनस्पति की शाखाएँ हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पौधा लगाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पौधा लगाया है। ठीक है, तो चूँकि ये वनस्पति है तो यहाँ पर मैंने पौधा लगाया। एनाटॉमी जो है वो जंतु में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष रूप से पौधों का, यहाँ पर वनस्पति की के बारे में हम लोग याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने पौधों की उत्पत्ति, पौधों की आंतरिक संरचना इस तरह से मैंने लिखा है। तो यहाँ पर है शारीरिकी यानी एनाटॉमी। तो इसमें पौधों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और अगला है यहाँ पर औतकी, औतकी यानी हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी यानी उत्तकों का अध्ययन, यानी उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी इसको हम लोग आसान भाषा में क्या याद रखेंगे कि उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, यानी जितने भी प्रकार के पौधों में उत्तक पाया जाएगा ये हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ही पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर शरीर क्रिया विज्ञान जिसको अंग्रेजी में फिजियोलॉजी कहते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग दिया गया है PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। तो इसमें कहा गया, इसमें पौधों की सभी जैविक क्रियाओं का, वाइटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। इसमें जितना भी पौधों का वाइटल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, उसका अध्ययन जो है इस शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कोशिका विज्ञान, आप इसे पहले से ही जानते हैं, कोशिका विज्ञान जिसको हम लोग अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो शब्द का अर्थ सेल होता है, कोशिका होता है यानी कोष होता है। तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, इसमें कोशिका की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, एवं है ना, उसके बाद है कार्य यानी फंक्शन तथा गुणन मल्टीप्लिकेशन का अध्ययन किया जाता है इस साइटोलॉजी के अंतर्गत। अगला है आनुवांशिकी जिसको हम लोग अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। ये एक 12th क्लास में एक चैप्टर भी है आनुवांशिकी। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर देना यार। तो यहाँ पर आनुवांशिकी की बात कर रहे थे, तो इसमें आनुवांशिकता यानी जेनेटिक और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट इस तरह से मैं लिखूँगा, आप अपने कॉपी में ठीक इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, तो इसमें जीवधारियों और वातावरण के बीच यानी इन्वायरमेंटल के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है भ्रूण विज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पौधों की जनन क्रियाओं से लेकर यानी जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उससे लेकर कहता है कि भ्रूण निर्माण यानी किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होगा और किस प्रकार से भ्रूण का विकास होगा, ये एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा जाता है। अगला है यहाँ पर पादप रोग विज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, इसमें पौधों के रोग के लक्षण यानी सिम्टम्स, उसके बाद रोग कारक जीव पैथोजेन तथा रोगों के नियंत्रण यानी रोग को किस तरह से यानी जो प्लांट में रोग होगा उसका कंट्रोल किस तरह से करेंगे, वो प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर जिम्नोलॉजी, तो जिम्नोलॉजी इसमें अनावृत बीजियों का अध्ययन किया जाता है। जो जिम्नोलॉजी होता है इसमें अनावृत बीजियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है भेषज गुण विज्ञान, इसको अंग्रेजी में फार्मेकोलॉजी कहते हैं। फार्मेकोलॉजी यानी इसमें जो है दोस्तों मुख्य रूप से दवाई से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कौन सा दवाई कब खिलाया जाना चाहिए, कब खाया जाना चाहिए, कब लिया जाना चाहिए, वो फार्मेकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ दवाई बनाने की विधियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी किस प्रकार से दवाई को बनाया जाता है, किस प्रकार यानी कौन कौन सी विधि है जिससे आप दवाई बना सकते हैं, तो उसका जो वर्णन है ये आपका जाके भेषज गुण विज्ञान में यानी दोस्तों फार्मेकोलॉजी में दिया रहता है। अगला है दोस्तों शैवाल विज्ञान, जिसको हम लोग एल्गोलॉजी कहते हैं या फिर इसको फाइकोलॉजी भी कहते हैं। इसका दोनों नाम आपको याद रख लेना है, ये भी और ये भी, एल्गोलॉजी और दोस्तों यहाँ पर जो फाइकोलॉजी है इसको भी आपको याद कर लेना है। इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, सेम टू सेम है जैसे कि यहाँ पर एल्गोलॉजी है। लॉजी शब्द का मतलब होता है LOGY, लॉजी जहाँ लास्ट में मिलता है उसका मतलब होता है पढ़ाई करना, स्टडी करना, अध्ययन करना। अगला है दोस्तों टेरिडोलॉजी, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि टेरिडो मतलब टेरिडोफाइटा, तो इसमें टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। तो टेरिडोफाइटा में क्या लिखेंगे टेरिडोलॉजी में, कि इसमें टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों लाइकेनोलॉजी, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर लाइकेन है, तो यहाँ पर लाइकेन है और लॉजी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, स्टडी करना, ठीक है। तो यहाँ पर लाइकेनोलॉजी है, इसका मतलब हुआ कि इसमें लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, अगर अच्छा से दिख रहा हो तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों बॉटनी का दूसरा पार्ट है व्यावहारिक वनस्पति, जिसको हम लोग अप्लाइड बॉटनी कहते हैं। तो इस अप्लाइड बॉटनी में पहला है सस्य विज्ञान, तो सस्य विज्ञान यानी दोस्तों एग्रोनॉमी, तो इसमें खेतों में उगाए जाने वाले पौधों तथा मृदा प्रबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें कब जुताई किया जाएगा, कब उसमें खाद डाला जाएगा, कब उस मिट्टी को पोला बनाया जाएगा, यानी जो खेत को जोता जाएगा दो बार तीन बार, उसको कहते हैं मिट्टी का पोला बनाना। तो कब कब इसमें क्या क्या किया जाता है मिट्टी का, जैसे कि इसमें कहता है कि मृदा का मतलब होता है खेत की मिट्टी, ठीक है दोस्तों। अगला है पुष्प कृषि, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें पुष्प का कृषि मतलब खेती, यानी पुष्प का खेती किया जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो इसमें सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, इसमें सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से उस सजावटी पुष्पों को और अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, वो क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला है यहाँ पर वन विधा, जिसको फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो इसमें वनों का विकास, देख रेख तथा संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है जो फॉरेस्ट्री होता है वो अधिकतर वनों को अच्छे तरीके से देखता है, घूमता फिरता रहता है कि कोई वृक्षों को काट तो नहीं ले जा रहा है,
इसका क्या करता है, वो देख रेख करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है भेषज विज्ञान। पहले हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों भेषज गुड़ विज्ञान, लेकिन यहाँ पर है भेषज विज्ञान। यहाँ पर भी इसका अंग्रेजी में फार्मेकोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर यही अंतर है कि इसमें औषधीय पादपों के विषय में अध्ययन किया जाता है। ये यहाँ पर डिफरेंस है, और उसमें था कुछ अलग। तो इसमें जो है दोस्तों, किस पादप से कौन सा औषधि निकलेगा, कौन सा टॉक्सिन निकलेगा, वो इसमें अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। ठीक है दोस्तों, अगला है मृदा विज्ञान, जिसको पेडोलॉजी कहते हैं। स्पेलिंग है PEDOLOGY, पेडोलॉजी। तो इसमें मृदा का निर्माण, संरक्षण यानी किस तरह से उसको बचाया जा सके, तथा संरचना और तथा उसके संरचना के विषयों में अध्ययन किया जाता है, उसका संरचना किस प्रकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों वन वर्धन यानी सिल्वी कल्चर। तो इसमें वनों का विकास तथा देख रेख का अध्ययन किया जाता है। जो सिल्वी कल्चर है, इसमें वनों को देख रेख किया जाता है और संवर्धन किया जाता है, यानी छोटे पादपों को बड़ा किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है और बहुत कुछ दिया जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर जीवाणु विज्ञान, जिसको हम लोग बैक्टेरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक्टेरियोलॉजी। तो इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी वे विज्ञान, वे साइंस जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बैक्टेरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, और वायरस को विषाणु कहते हैं। और यहाँ पर आखिरी है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है विषाणु विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितना भी टॉपिक है सब मैं महत्वपूर्ण वाला ही बताता हूँ, कोई एगा बेगा वाला नहीं बताता हूँ कि इधर उधर से उठा लिया। तो चलिए अगला है सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर में यहाँ तक, आज के लिए यहीं तक बात करते हैं। और बात करते हैं हम लोग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी चैप्टर वन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैनल में आपको दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट